वीडियो का सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको रिसीव हो जाए वेलकम टू माई चैनल क्लीन आज की हम इस वीडियो में बनाना सीखेंगे ये बियर फूट सैंडल्स जो कि न्यूबॉर्न से लेकर सिक्स मंथ या एट मंथ तक के बेबी को आ जाएंगे और ये स्ट्रेची होते हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी साइज की बट होता है कि कुछ बच्चे हेल्दी होते हैं कुछ वीक होते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है ये अभी मेरे पास बेबी अवेलेबल नहीं है तो मैं कोशिश करूंगी कि, कि किसी बेबी को पहना के ना फिर आपको वो भी पिक्चर पोस्ट कर दूँ ये फूट इधर आएगा और ये लेग में अब देखिए ये स्ट्रेची है ये पैर से हम अंदर डालेंगे और लेग के ऊपर यूँ ले जाएंगे इसे बेयर फूट सैंडल्स कहते हैं इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी क्योंकि ये जो है क्रोशिया में ज़्यादा होते हैं तो रिक्वेस्ट आई थी कि बुनाई में सिखा दें तो फिर ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं किया है इनको तो आज हम ये बनाना सीखेंगे और उसके बाद हेडबैंड भी इसका बनाएंगे मैचिंग मैचिंग उसकी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको निटिंग चाहिए निडल चाहिए ऊन चाहिए दो कलर में क्योंकि कंट्रास्ट किया है हमने यहाँ पे जो फ्लावर बनाया है इसके लिए दो कलर में कंट्रास्ट किया है कैं कैंची चाहिए और इंच टिप चाहिए ठीक है एडिशनल जो चीजें आप डेकोरेशन क्रिएट करना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है फाइव एम एम की ये निडल है आप कोई भी यूज कर सकते हैं कोई भी आपने जस्ट नाप को फॉलो करना है जो मैं बताती जाऊंगी ये पैटर्न फ्री है ये कोई सेल नहीं कर सकता ये मैंने खुद डिजाइन किए हैं क्योंकि क्रोशिया में ज्यादा थे तो ऐसे मैंने यहाँ पे आ, बुनाई आ, निटिंग से इनको बनाया है बुनाई से अब यहाँ पे पहले हम इस तरह के दो बैंड बनाएंगे सबसे पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे हम इसको हम यूं रख देते हैं बहुत ही क्यूट लगते हैं बच्चों पे ये पूरा सेट मैं कोशिश करूंगी कि आपको बनाना सिखा दूं सबसे पहले आपने कास्ट ऑन करने हैं फाइव स्टिचेस फंदे आप धागा कम लें छोटा लें आप पे डिपेंड करता है थोड़ा सा रखिएगा ताकि बाद में वे हो जाए एक दो तीन चार एक दो तीन चार पांच पांच एक कास्ट एक मैजिक लुक जो बनाया और सॉरी स्लिप नॉट बनाया और उसके बाद चार फंदे कास्ट ऑन किए यह धागा बाद में वेव इन के काम आ जाएगा अब रो वन निट ऑल स्टिचेस सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे रो वन निट ऑल स्टिचेस पहली सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लिए अब यही पहली सिलाई हम रिपीट करते जाएंगे क्योंकि ये गार्टर स्टिच वाले हैं तो यही आपने सारे सीधी रॉन्ग साइड साइड राइट आपने दोनों सीधे सीधे बुनने हैं क्योंकि ये गार्टर स्टिच है तो आपने यही एक सिलाई रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी डिजायर्ड लेंथ ना मिल जाए अब मैं फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न के लिए बना रही हूं आप किसी बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वन ईयर के लिए तो आप उसको पहना के भी उस पर चेक कर सकते हैं कि अब हमें कितनी इसके लिए लेंथ चाहिए इसके लिए लेंथ में आपको नाप के दिखाऊंगी अभी हम यही एक सिलाई रिपीट करके बुन लेते हैं जितनी हमें ये इसकी लेंथ है उतनी उतनी यहाँ पे मैंने ये पूरा बैंड बना के कंप्लीट कर लिया है ये गार्टर स्टिच की रिजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं आपको काउंट करके बताती हूँ ये गार्टर स्टिच की रिजेस हैं लाइनें गार्टर स्टिच की ये आप उभरी हुई देख रहे हैं ये वाली वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन अट्ठारह गार्टर स्टिच की रेजेज हमारे पास अगर आपके पास सेम सिलाईया हैं तो बाकी मैं आपको नाप के भी दिखाती हूँ कि आपको लेंथ इसकी कितनी चाहिए ये गार्टर स्टिच है ये ये स्ट्रेच हो जाता है बट आपने इसको खींचना नहीं है इसको ऐसे ही आपने रखना है और नापना है क्योंकि वो पहनाते वक्त फिर आपको ज्यादा अरसे तक यूज कर सकते हैं क्योंकि ये गार्टर स्टिच खींचता है पांच इंच तक आप इसकी जो है लेंथ रखेंगे और जो इसकी है वो है एक इंच तक अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे हैं अगर बड़े बच्चे के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं अब हम बाइंड ऑफ करेंगे इसे ये बाइंड ऑफ की टेक्निक मैंने सिखाई हुई है आपने दो फंदों को नेट थ्रू लूप करना है फिर इसको वापस डालना है फिर इन दो फंदों को हम बुन लेंगे आप बेसिकली किसी भी तरीके से बाइंड ऑफ कर सकते हैं जो भी आपको आता है ठीक है बट इस चीज का ख्याल करना है 18 घातर स्टिच की रिजिज होनी चाहिए और राइट साइड हो ये आप कास्ट ऑन वाला धागा देख रहे हैं इस तरफ है, लेकिन अगर किसी और तरीके से कास्ट ऑन कर रहे हैं तो आपने राइट साइड का ख्याल रखना है बाइंड ऑफ कर दिया यहाँ पे आपने आपने बाइंड ऑफ के बाद इसे काट लेना है धागा सिक्योर करके और अब हम ठीक है हमें ऐसे दो बैंड चाहिए सेम इसी साइज के तो मैंने यहाँ पे पहले एक बैंड बना के रखा है अब हमने क्या करना है हमने इनको यूं मिला लेना है तो हम मैं एक आपको सी के दिखाती हूँ दूसरा फिर हम इसको स्पीड में सी लेंगे टाइम आपका ताकि कम लगे पहले हमने क्या करना है इनको राउंड में ज्वाइन करना है लूप की तरह बना लेंगे जैसे ये यहाँ पे आप किसी भी टेक्निक से चाहें तो ये सी सकते हैं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट ये बच्चे को चुभेगी नहीं जो मैं टेक्निक बताती हूं हर बूटीज यहाँ पे स्लिपर्स मैंने बनाए हैं उनमें मैंने ये टेक्निक यूज की आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वी शेप जैसा है उसका आपने बाहर साइड वाला लेग पहले जाए तो यहाँ पे इसको हम फिक्स कर लेंगे अब हमने एक ले ये भी वी शेप से ना अब एक लेग आपने यहाँ से लेना है और एक यहाँ से इसी तरह आपने इसको को ज्वाइन करते जाना है दोनों साइड्स को आप खींचते जाइएगा धागा थोड़ा सा छोटा है आप थोड़ा सा बड़ा काट लीजिएगा यहाँ पे हमने ये सी लेना है और ये इंस हैं जो फिर वो उनको कास्ट वेव कर लेना है ही यहाँ पे हो गया सॉरी और यहाँ पे खींच लेंगे खींच लिया खींच लेने के बाद हम इसे विव कर लेंगे और इसे भी इसी तरह हम बंद कर लेते हैं उसके बाद हम इनको ज्वाइन करेंगे वो फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने इन दोनों को सी दिया है जो मैंने धागा बड़ा काटा हुआ था वो मैंने छोड़ा है वो इसलिए क्योंकि हमने इसको मिलाना है इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सिया है यहाँ से अब ये जो सीने की टेक्निक्स हैं देखिए वो आप पे टोटली डिपेंड करती है जो आपको इजी लगे ना आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपने गलती से धागा नहीं छोड़ा है तो आप दूसरा धागा भी ले सकते हैं अब हमने क्या करना है अब आप कहीं से भी इनको ये तो धागा मेरे यहां पे छोड़ा हुआ है तो मैंने इसको बीच में रखना है और इसको भी बीच में कर लेते हैं जहां से हमने इसको सिया है अब ये दो आपने इस तरह पकड़ लेने हैं और ये देखें एक दो तीन चार ये इतना गार्टर स्टिच की आप रिजिश देख रहे हैं ना एक दो तीन चार चार गार्टर स्टिच की रिजेज हैं अब इनको हमने मिला देना है हम बेसिकली पहले इस तरफ चले जाते हैं यहां से आ, यूं, इस तरफ ठीक है ये हम आ गए क्योंकि हम इस तरफ से शुरू करेंगे और उस तरफ आप पे इस तरफ जाए सिर्फ वो आप पे डिपेंड करते हैं हमने सिर्फ सीना है इसको ये आप आ, थोड़ा सा पीछे क्योंकि हमने ये देखें यहाँ पे हमने इसे सिया है ठीक है ये जॉइंट है तो ये जो जॉइंट है हमने दो रिजिज इधर रखनी है दो रिजिज इधर रखनी है ये आसान तरीका है बाकी आप अंदाजे से अंदाजे से भी मिला सकते हैं अपने हिसाब से कि आपने कहाँ से मिलाना है अब ये दो रिजिज यहां पे और दो रिजिज यहां पे हमने इस तरह मिलानी है आप एक यहां से ले लें रिज एक यहां से ले लें मैं अगेन आपको कह रही हूं कि आप अपनी तरीके से मिला सकते हैं जो आपको आता है इससे कोई हर्ज नहीं है आप जिस तरह मिलाना चाहें बस आपने सीना है ये देखिए यहां से हमने ज्वाइन किया है और ये रही रिज फिर से दो रिजेस फिर उसके बाद ठीक है बस बीच वाला जो ज्वाइंट जो है दो रिजेस एक साइड पे दो रिजेस दूसरी साइड पे ये हमने इसको मिला दिया है अब इसे हम वेव इन कर देंगे अच्छे से टाका लगा लें बंद कर दें इसे ताकि खुले ना ये बहुत ही आसान और जल्दी बन जाएंगे आप एक पेयर बना लेंगे तो दूसरा वाला ज्यादा से ज्यादा भी अगर आप बिगनर भी हैं तो आराम से भी बना रहे हैं तो दो घंटे आराम से भी बना रहे हैं। और अगर आप बिगिनर नहीं हैं बुनाई करते रहते हैं तो और जल्दी ये बन जाएगा क्योंकि अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल ये एक पैर बनाया ज्यादा से ज्यादा थर्टी मिनट के लिए और उसके बाद आप फिर बना सकते हैं दूसरा पैर अभी हम ये वाला बनाएंगे ठीक है फूल बनाएंगे पॉपी फ्लावर है ये ये आप को मैंने पहले भी बनाना सिखाया हुआ है तो मैंने जब ये सैंडल्स डिज़ाइन की तो मैंने कहा इसके ऊपर यही लगा देते हैं आप बना हुआ फूल भी लगा सकते हैं इसके ऊपर तो फूल के लिए हम मैंने हालांकि ये बनाया हुआ है अलग इसके लिए वीडियो इसकी बट मैं आपको जस्ट हेल्प हो जाए उसके लिए आपको फिर से बना के बता रही हूँ इसी में ताकि आपको ना खोलना पड़े दूसरा वीडियो मैं कोशिश करती हूँ मेरी वीडियोस इजी हों डिटेल्ड हों ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो थर्टी सिक्स स्टिचेस हम कास्ट ऑन कर लेंगे थर्टी सिक्स स्टिचेज हमने यहाँ पे कास्ट ऑन कर लिए हैं सिलाई पे डाल लिए हैं हम गिनेंगे क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है काउंट करना दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस थर्टी सिक्स छत्तीस फंदे आपने सिलाई पे डाल लेने हैं ये फ्लावर मैंने डिटेल में बनाना बताया हुआ है आप मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे तो ये मल्टी कलर में होगा आप एक कलर में भी बना सकते हैं अगर किसी ने सिर्फ ये डिटेल में फ्लावर बनाना सीखना है तो रो वन निट ऑल स्टिचेस ठीक है पहली सिलाई सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं पहली सिलाई हो गई रो टू सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं दूसरी सिलाई पर्ल ऑल स्टिचेस सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे दूसरी सिलाई रो टू रो थ्री थर्ड रो सारे फंदे सीधे बुन लेंगे तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लेंगे और चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे फिर फिफ्थ रो पे हम अ, चेंजिंग करेंगे ट्विस्ट देंगे ठीक है फोर्थ रो चौथी सिलाई फिर सारे फंदे उल्टे पर्ल ऑल स्टिचेस फोर्थ रो फाइव पांचवी सिलाई हम पांच फंदे सीधे सीधे बन लेंगे नेट फाइव स्टिचेस फिर हम टर्न करेंगे सॉरी ये धागा पीछे होगा फिर हम टर्न करेंगे और इसको ऊपर लेके आएंगे और फिर नौ फंदे बुनेंगे सीधे सीधे नौ फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे फिर टर्न करेंगे और काउंट करते जाइएगा दो चार पाँच दो चार छ आठ नौ नौ फंदे बुने अब फिर से टर्न एंड निट नाइन स्टिचेस ये मैंने डिटेल में फ्लावर बनाना सिखाया हुआ है रो बाय रो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में जो हम काउंट करते हैं दो चार पांच दो चार छ आठ नौ दो चार छ आठ नौ फिर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ फिर से नौ फंदे अब फिर से टर्न करेंगे और आखिरी चार फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे टू थ्री फोर ये है हमारी फिफ्थ रो पाँचवीं सिलाई पांचवी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है फिफ्थ रो कंप्लीट करने के बाद हम धागा काट लेंगे थोड़ा सा कि विविन हो जाए अब हम ये वाला धागा ज्वाइन करेंगे अगर आप कंट्रस्ट में बनाना चाह रहे हैं तो अब नेट टू टू टुगेदर छठी सिलाई दो फंदे साथ में बुनेंगे उल्टे हो ठीक है ग्रीन कलर से मतलब कोई भी कंट्रस्ट कलर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर से इसी तरह पूरी सिलाई बुन लेंगे और पर्ल टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदे साथ में उल्टे बुनेंगे ठीक है इसी तरह सिक्स रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे सिक्स रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है छठी सिलाई सातवीं सिलाई नेट टू स्टिचेस टुगेदर दो फंदे साथ में बुनते जाएंगे सारी सिलाई पूरी सिलाई हम इसी तरह बुन लेंगे नेट टू स्टिचेस टुगेदर, आखिर तक सेवेंथ रो कंप्लीट हो गई है ये जो हमने यहां पे जॉइंट किया था मैं उनको इस तरफ कर लेती हूं आप ना भी करे तो बाद में वेव इन हो जाता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आठवीं सिलाई सारे फंदे हम पर्ल टू टुगेदर करके बुन लेंगे ये दो फंदो साथ में बुनेंगे बट उल्टे पर्ल टू टुगेदर पर्ल टू टुगेदर ने टू टुगेदर ये टेक्निक्स मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं छोटी छोटी वीडियोस बना के आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं और ये जो आखिरी फंदा बचा है उसे हम अकेला बुनेंगे ठीक है अब यहाँ पे हमने धागा काट लेना है और इस धागे को हम टपेस्ट्री निडल से यहां पे इन फंदों में से गुजार के ये इस तरह से एक दफा और दो दफा एक दफा इसे खींचेंगे यहाँ से निकालेंगे जो हमारे पास फंदे बचे हैं और फिर फिर से इन्हीं फंदों के बीच में से इसे गुजारेंगे और पहले ऐसे खींचेंगे ये इसलिए कि सिक्योर हो जाए और फिर दूसरी दफा दो दफा किया अब राइट साइड को आपने यूं कर लेना है रॉन्ग साइड से इनको यूं पकड़ लेना है अब जो वाला ग्रीन वाला पार्ट है वो हम पहले ग्रीन वाले धागे से बंद कर लेंगे और उसके बाद वाइट वाला आपको जो भी टेक्निक आती हो सीने की आप सी सकते हैं आप जस्ट इन्हें बंद कर दें ये यहां से लेकर इस तरह से हम बंद करते जाएंगे और उसके बाद यहां से भी इसी तरह बंद कर लेंगे हमने ये बो बना फूल बना लिया यहाँ पे अब ये जो धागे मैंने छोड़े हैं ये सीने के लिए छोड़े हैं अब ये वाला फूल हम इधर सी लेंगे आप चाहें तो इसकी जगह पे बो भी बना के लगा सकते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट मुझे ये अच्छा लगा इसीलिए मैंने ये बनाया है तो हम इस पे सी लेते हैं ये यहाँ पे हमने इसे बंद कर दिया है आप देख सकते हैं कि ये हमारे बेरफ्रूट सैंडल्स तैयार हो गए हैं ये छोटी बीबीज के लिए क्यूट से और इसके साथ जो मैचिंग बो हैड है, है, बैंड है उसकी जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप इसके साथ मैचिंग बिल्कुल हैड बैंड भी बना सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि क्यूट क्यूट से बेयरफ्रूट सैंडल्स आपको और भी बनाना खुद डिजाइन करूँ और बनाना सिखाऊं और ये बनाइएगा मेरे साथ पिक्चर जरूर शेयर कीजिएगा ये आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं बहुत ही क्यूट से हैं ये और आपको बनाने में भी मजा आएगा बनाइएगा मुझे बताइएगा और इसके साथ जो मैं हेयर बैंड बना सिखाया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वो भी बनाइएगा और शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वेरी हाफिज़